दोपहर के 3 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त का मुद्दा है मजदूरों की मुसीबत पर सियासत क्यों। ये मुद्दा गरम इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच मजदूरों के मुद्दे पर घमासान तेज हो गया है। कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिनमें उन्होंने मजदूरों की मुश्किलों से जुड़ी वीडियो भी साझा किए हैं और शिवराज सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं, भोपाल से मनोज शर्मा हमारे सहयोगी होंगे और साथ ही कांग्रेस के जीतू पटवारी जुड़ेंगे। इस पर हम आगे उनसे बात करें, उससे पहले लॉकडाउन के दौरान एक जगह से दूसरी जगह को पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की तमाम तस्वीरों के बीच एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में एक बैलगाड़ी पर एक तरफ बैल है जबकि दूसरी तरफ एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा है। अपने ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा है, शिवराज जी आंखें खोलो, नींद से जागो, बेबस लाचार मजदूरों की दशा देखो, उनकी सुध लो, वल्लभ भवन से सरकार को बाहर निकालो, आपके सारे दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। प्रदेश की सीमाएं, प्रमुख मार्ग आज भी मजदूरों से भरे पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आपके सारे दावों और व्यवस्थाओं की वास्तविकता आप खुद साथ चलकर देख लें, शायद इन बेबस लाचार निरीह मजदूरों को खुद आंखों से देखकर आपका मन पसीज जाए। और इसी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी बैलगाड़ी में जूते इंसान के वीडियो के बहाने शिवराज सिंह पर निशाना साधा है। हालात ये है कि एक व्यक्ति खुद को अपने आप को बेल बनाया, आर्थिक तंगी के कारण एक बेल बेच दिया और जब बेचने के बाद घर परिवार को कैसे पालन पोषण इस पूरे खराब दौर में, लॉकडाउन के दौर में करे, तो ये परिस्थिति सामने आई। मैं मानता हूँ ये भयावह दृश्य मेरे मुख्यमंत्री की भी आंखें खोलने जैसा है। एक तरफ वो कहते हैं मैं बसों की व्यवस्था कर रहा हूँ, परिवहन की व्यवस्था कर रहा हूँ, दूसरी तरफ पीड़ित व्यक्ति अपने आप बयान दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, सारी सरकारें इस पर विचार करें और आत्ममंथन करें कि कितना बड़ा फेलिवर है उनका। और इस वीडियो पर जिस पर सियासत गर्म है, मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। मनोज, वाकई में ये वीडियो बता रहा है कि मजदूरों की स्थिति, किसानों की स्थिति क्या हो गई है मध्य प्रदेश में? हकीकत, एकदम हकीकत बयां हो रही है क्योंकि आप इस वीडियो में देखिए तो एक तरफ मजदूर है बेचारा, मजबूर मजदूर जो कि चलते हुए जा रहा है और उसमें बीच में सिर्फ वो अकेले नहीं चल रहा है, एक तरफ बैल है, बाद में थोड़ी दूर जाने पर जब थकते हैं तो दूसरी तरफ एक महिला भी जाकर उसमें लगती है, उसका परिवार है। और जब मजदूर से जो हमने संपर्क किया और जानने की कोशिश की कि आखिर कहानी क्या है, क्योंकि ये वीडियो वायरल तो हो गया, वीडियो के साथ तमाम तरह की जो कहानियाँ चल रही थी, अलग अलग कहानियाँ चल रही थी, कोई कह रहा था कि ये राजस्थान की तरफ जा रहा है, कोई कह रहा है कि वो महाराष्ट्र से चला, ऐसी तमाम कहानियां चली, लेकिन सच्चाई ये निकली कि 30 किलोमीटर का लंबा सफर उसे तय करना था इंदौर जिले के अंदर, महू से लेकर उसे अपने मुंडला गांव जाना था, गरीबी की वजह से उसे अपना बैल बेचना पड़ा और चूंकि आवागमन के लिए तमाम सरकारी दावे कि हम बसें चला रहे हैं, हम ट्रेन चला रहे हैं, हम तमाम मजदूरों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मजदूर भूखा नहीं सोएगा, इन तमाम दावों के बीच उसे अपना बैल बेचना पड़ा। और उसके बाद देखिए किस तरह उसे 30 किलोमीटर के सफर को एक तरफ बैलगाड़ी में जुटकर तय करना पड़ा है। लोकेंद्र जी, इस दुर्दशा पर आपकी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल टूल होना चाहिए या इस पर गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है? देखिए प्रीति जी, अगर ये वीडियो सच है तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर विषय है और अगर इस वीडियो के पीछे कोई साजिश है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। दरअसल इस समय पूरा देश और सारी दुनिया सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रही है, इस समय सामाजिक आर्थिक संकट है। लोकेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि इसमें साजिश, इस तस्वीर में आपको साजिश कहां से दिख रही है? एक किसान है, मजदूर तबके का आदमी है, वो किस तरह से जुटा हुआ एक बैल के संग और अपने परिवार को आगे ले जाता दिख रहा है, इसमें आपको अभी भी आपको लग रहा है कि साजिश की गुंजाइश है? मैंने कमलनाथ जी के ट्विटर पे अभी देखा, उस वीडियो में जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिखाई देता है कि जो लोहे के औजार बनाने वाली जो एक प्रजाति होती है हमारे देश में, वो इस प्रकार की बैलगाड़ी रखती है और दो बैल रखती है और अपना पूरा गृहस्थी उस बैलगाड़ी पर लेकर चलती है। हो सकता है कि उसका बैल किसी दुर्घटना में या बीमारी से
समाप्त हो गया हो सकता है कि उसको किसी कारण से बेचना पड़ा हो, अभी समय काम धंधे बंद हैं। निश्चित तौर पर पैनिक है समाज में, प्रॉब्लम है इस समय समाज में। मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, केवल भारत का विषय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के सरकारी प्रयासों की बात है, 350 बसें लोगों को ढोने में लगी हुई है मध्य प्रदेश के भीतर, मध्य प्रदेश की सीमाओं पर लेकर और हाईवेज पर लेकर हजारों स्थानों पर स्टॉल लगे हुए हैं, 160 पेट्रोल पंपों पर भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, ट्रकों में लाल अभी इस वीडियो की सत्यता जांचने की बात कह रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी हमारे साथ है। जीतू पटवारी, यहाँ पर चूंकि कमलनाथ के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुई है, तो जरा बता दीजिए ये वीडियो कहाँ का है, ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि अभी भी शक है बीजेपी को इस वीडियो पर, क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से आया सामने। प्रीति जी, दो बातें हैं। पहले तो बाराश्वर जी ने जो कहा कि देश पूरा आर्थिक संकट में है, हम तो बार बार कहते हैं कि इस देश में सरकार के आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और इस महामारी से उसकी कमर टूट गई, वो आईसीयू में चली गई। कम से कम ये स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसके लिए उनको मैं साधुवाद देता हूँ। अब रही बात वीडियो की, वीडियो बेसिक कहाँ से आया है, तो ऑलरेडी मीडिया डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। अल्टीमेटली उसकी सच्चाई दिख रही है कि एक लड़का कह रहा है कि मैंने इसलिए बेल बेच दिया क्योंकि आर्थिक संकट में, उसके वीडियो अगर ढंग से वो सुनेंगे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी, तो क्लियर वो जो जूता ही जो बेल बना है लड़का, वो ही बता रहा है कि मैं क्यों जूता हूँ और किस कारण से मेरे पूरे परिवार को लेके जा रहा हूँ। मैं इसकी वीडियो एक माध्यम है, पर भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में। इन्होंने अभी संख्या गिनाई की 150 बसें हैं, 350 बसें हैं, 150 पेट्रोल पंप है। मैं इंदौर से भोपाल आते आते अभी आया हूँ, भोपाल में हूँ, कम से कम 500 ट्रकें जिसमें कि लोग ठूस ठूस के भरे हुए भेड़ बकरियों जैसे, खाने की व्यवस्था पे मैंने सरकारी कहाँ कहाँ व्यवस्था हुई है। नहीं, ये भी सच्चाई है, लेकिन जीतू पटवारी, सच्चाई ये भी है जो लोकेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई 350 बसेस वो लगातार चला रहे हैं हर दिन, ताकि जो मजदूर हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। मैं आप दोनों से बातचीत करूंगी और मनोज से भी आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच वीडियो के साथ ही कमलनाथ ने प्रवासी मजदूरों का भी एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर सैकड़ों मजदूर वापस लौटने के इंतजार में खड़े दिखाई दिए हैं। इस दौरान एक ट्रक में कई मजदूर ट्रक में ठुसे हुए दिखे हैं, जबकि सड़क पर भी सैकड़ों मजदूर गाड़ियों की राह देखते नजर आए हैं। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही दूसरे इंतजाम दिखे। ये हम लोग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर। लोकेंद्र जी, अब इन तस्वीरों को भी आप साजिश की नजर से ही देखेंगे, इसका जिक्र तो जीतू जी खुद पहले भी कर रहे थे। देखिए, हम इस विषय पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। जीतू जी ने कहा कि मैंने कहा कि देश में आर्थिक संकट है, मैंने कहा सारी दुनिया में सामाजिक आर्थिक संकट है इस समय, केवल भारत में नहीं है। और जीतू जी को धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, 130 करोड़ के देश में सबसे कम संक्रमण है और इटली में जो उनकी माता जी जहां से आती है वहां पर भयावह स्थिति है, और चाहते हैं ये लोग लोकेंद्र जी देखिए, आप मुद्दे को भटकाइए मत। प्रधानमंत्री के एक्शन प्लान पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपके हर जवाब पर आप इटली पहुंच जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। इन तस्वीरों पर जवाब दीजिए सर, ये सच्चाई है, किस तरह से ट्रकों में ठूसे जा रहे हैं मजदूर, इस पर कोई रोड मैप है? बॉर्डर पर लोग आ रहे हैं, सबकी स्क्रीनिंग हो रही है, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, बिना स्क्रीनिंग के बिना जांच के उनको अंदर नहीं लिया जा सकता। आप समझते हैं संक्रमण फैल जाएगा, गांव-गांव तक संक्रमण फैल जाएगा, रोके नहीं रोकेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, यही तो हम बता रहे हैं लोकेंद्र जी, यही हम बता रहे हैं आपको, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही है। मैं चाहूंगी वो ये देखिए, ये ट्रक वाली तस्वीरें आप पता नहीं देखे या नहीं, जरूर देखी होगी आपने, कमलनाथ जी के ट्विटर हैंडल पर है वो, और आप कह रहे हैं कि ये संक्रमण रुके नहीं रुकेगा, तभी तो हम बता रहे हैं कि आपने क्या किया है संक्रमण को रोकने के लिए। मैं, ये जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि समाज कष्ट में नहीं है, मैं कह रहा हूँ कष्ट में है, लेकिन सरकार पूरे प्रयास कर रही है। भारी संख्या में मजदूर आ रहा है, लाखों की संख्या में, 2,40,000 मजदूरों को हम सेफ ला चुके हैं बसों में भर के अंदर अभी तक, और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश राजस्थान के मजदूरों को भी ले जा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन कांग्रेस के मित्रों से ये है, कमलनाथ जी से है, आदरणीय कमलनाथ जी से, एक प्याऊ उन्होंने कहीं लगाई है क्या? एक आदमी को भोजन कहीं दिया है क्या कांग्रेस ने? केवल पैनिक करना कि रेल का किराया हम देंगे, लॉकडाउन खराब चीज है, रोजाना नई नई बातें ये लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं। मुझे बताएं जीतू पटवारी जी कि उनके प्रयास से कहां एक व्यक्ति को कोई राहत पहुंचाई गई है, कहां कमलनाथ जी ने कोई एक कैंप लगाया है,
मजदूरों की सहायता के लिए, इनके कोई सामाजिक दायित्व तो नहीं है क्या? ऐसा है प्रीति, दो बातें हैं। पाराशर जी की जिम्मेवारी है कि सरकार हमेशा इस संकट के लिए सबको साथ लेके काम करे। देखो आपकी घृणा और नफरत है, आपने इन्होंने हमसे सवाल करे, जिनको जवाब देना है वो सवाल करने लगे। अरे भैया अगर बोलते याद रखता हो तो जरा सुनने की आदत भी डालो। आपने जब देश की हालत है जरा शांति से सुनो। प्रीति इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कर किया, मैं इनको चुनौती देता हूँ। मैं अभी भोपाल में बैठा हुआ हूँ सरकारी निवास पे, ये यही भोपाल में अभी इसी जहाँ है वहाँ इनके पास चला जाओ, साफ सुनूंगा इनके भोपाल यहाँ से भोपाल तक। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्यादा प्याऊ और खाने पीने की व्यवस्था की हो या कांग्रेस के ने ज्यादा की हो तो ये मैं इनकी गुलामी करूँगा, नहीं तो ये मेरी करे। देखिए कोई किसी की गुलामी ना करे, हमारा मकसद किसी की गुलामी कराना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो फंसे हुए हैं, जो परेशानी में हो, उनकी समस्या का हल हो। मनोज जमीनी हकीकत क्या है, आरोप प्रत्यारोप के बीच जो किसान मजदूर हैं उनकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में? जमीनी हकीकत तो सामने आप देख रहे हैं, ये एक छोटी सी बानगी होती है। जैसे बालाघाट से एक वीडियो और आया था कि बालाघाट एक शख्स पहुंचा और वो पड़ोसी राज्य से चला और पूरा सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र उसने एक छोटी सी एक गाड़ी बना के रखी थी और अपनी माँ को बिठाल के लाया। ऐसे तमाम वीडियो लगातार आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि मजदूर की हालत क्या है। और जब भी हम यहां से थोड़ी दूरी पर आप जाइए, जो मुंबई से महाराष्ट्र से ऑटो वाले चल रहे हैं, वहां से टैक्सी आ रही है, वहां से साइकिलें आ रही हैं, वहां से बाइक आ रही हैं, और यहां से जब आप विदिशा बाईपास पर चुके तो मजदूरों के काफिले आपको मिल जाएंगे। और वो उन काफिलों से पूछो कि क्या हुआ रास्ते में, खाने पीने का इंतजाम था क्या? अरे साहब क्या बताएं, मतलब कोई भी मजदूर की जुबान से आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हाँ हमको पैदल तो आना पड़ा लेकिन खाने पीने की तकलीफ नहीं हुई। अगर तकलीफ हुई तो समाज के लोगों ने की, समाज ने की, लेकिन सरकार का ऐसा कोई सिस्टम, सरकार के तमाम दावों के बावजूद नहीं है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम इतना राशन दे रहे हैं, खाना बंटवा रहे हैं और लोगों को किसी तरह की खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये सारे दावे सिर्फ कागज पर ज्यादा बड़े दिखते हैं लेकिन हकीकत में लोगों की परेशानी जो है, तकलीफ है, बहुत ज्यादा है जी। और इस तकलीफ को राजनीतिक पार्टियां जितनी जल्दी सही तरीके से समझे वो उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये मजदूर भूख से और किस तरह से अपने जीवन यापन को लेकर संकट में है, इस बात को समझने के लिए इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों का मुंह उन्हें देखना पड़ता है। लेकिन वो आपस में ही अपनी जो रस्साकशी है उससे उबर पाए तब तो बात बन पाए। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की तस्वीरें दोबारा ना आए, लेकिन रोज इस तरह की तस्वीरें आती हैं जो मजदूरों पर गहराए संकट के बारे में लगातार चिंता बढ़ाती है। आप सभी का हमारे साथ लोकेंद्र पाराशर जी, जीतू पटवारी, शुक्रिया। मनोज आपसे लगातार आगे अपडेट लेते रहेंगे। इधर कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबड़े ने आज एक सुनवाई के दौरान कहा कि वकीलों और जजों के लिए नया ड्रेस कोड जारी करेंगे। इसमें गाउन और कोट पहनने की जरूरत नहीं होगी। वकील और जज दोनों सिर्फ सफेद शर्ट और बैंड लगाकर काम कर सकते हैं। ये ड्रेस कोड सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोट और गाउन से कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा हो जाता है और इसीलिए नया ड्रेस कोड लाया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस बार गर्मी की लंबी छुट्टियों में भी कटौती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी कई सिफारिशों की फाइल चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े को सौंपी, जिसमें 7 हफ्ते की गर्मी की छुट्टियों को कम करके 2 हफ्ते करके और बाकी छुट्टियों को आगे के लिए पेंडिंग रखने की सिफारिश शामिल है। और इधर दिल्ली में रेलवे के मुख्यालय रेल भवन में एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ये रेल कर्मचारी रेल भवन में रेलवे पुलिस के डीजी के दफ्तर में तैनात था, जिसके बाद जांच के लिए डीजी दफ्तर के कई लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर रेलवे के मुख्यालय से, जहाँ एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इसके बाद ये जो जानकारी मिली है उसमें अपडेट ये है कि डीजी दफ्तर का एक कर्मचारी था और इसको और इसके साथ ही कई लोगों को क्वारंटीन करने के बारे में आगे कदम उठाए गए हैं। लेकिन लगातार सरकारी दफ्तरों में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब रेल भवन का जो मुख्यालय है वहां पर भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 24,500 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से जुड़ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 9,000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अब तक 8,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,500 के पार पहुंच चुका है। और पांचवे नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 13,69,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं रूस चौथे नंबर पर है, मरीजों की संख्या वहां पर 2,32,000 के करीब पहुंच गई है। स्पेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,28,000 से भी ज्यादा है। चौथे नंबर पर है ब्रिटेन, जहां अब तक 2,27,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। और पांचवें नंबर पर इटली है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,21,000 के पार है।